subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशीष मैथ क्लासेस। जैसा कि इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी बोर्ड ने भी अपना टाइम टेबल जो है वो आउट कर दिया है। हाई स्कूल और इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से स्टार्ट होकर 10 मई को समाप्त होगी और इंटर की बोर्ड परीक्षा जो है वो 24 मई से शुरू होकर 12 मई को समाप्त होगी। जैसा कि डेट शीट जो है वो भी सामने आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो हाई स्कूल और एक तरफ इंटरमीडिएट का दिया गया है। और टाइम टेबल तो आप जानते ही हैं, टाइम क्या होती है। जो फर्स्ट शिफ्ट होती है वो 8 बजे से 11:15 तक होती है दोपहर के, और जो हमारी सेकेंड शिफ्ट होती है वो 2 बजे से लेकर और 5:15 तक होती है। तो सबसे पहला जो पेपर है हमेशा की तरह से 24 अप्रैल को हमारा इंटरमीडिएट का हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर है, और उसके बाद बहुत सारे पेपर हैं। आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपका है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको देख सकते हैं कि कब कौन सा पेपर पड़ेगा। ठीक, साइंस साइड वालों के लिए सबसे पहला पेपर 24 अप्रैल को हिंदी का है, अभी और भी आर्ट साइड वाले पेपर हैं। फिर हम देखते हैं 1 मई को हमारा इंटर में अंग्रेजी का पेपर है, और उसके बाद 4 मई को हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर है इंटर में, और फिर आगे 6 मई को हमारा जो है वो गणित का पेपर है और जीव विज्ञान का यानी मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो आप सबका 6 मई को है। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो 10 फरवरी है, तो मार्च अप्रैल मई यानी हमारे पास पूरे 3 महीने का समय है मैथ का पेपर तैयार करने के लिए। अच्छी तरह से आप तैयार करें और बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को आप सॉल्व कर पाएं, इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी भी करें, प्रैक्टिस भी करें। अभी पर्याप्त समय आपको मिल गया है, ये पहला मौका है जब हमको इतना ज़्यादा समय मिल रहा है, तो हम अभी से जुट जाएं। कोर्स सभी का समाप्त हो ही चुका है, केवल हमको प्रैक्टिस करनी है। और 8 मई को जो है वो फिजिक्स का पेपर है, तो जैसा कि साइंस साइड वालों के लिए सबसे लास्ट में जो पेपर है वो फिजिक्स का है। तो एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं, तो पहला पेपर 24 तारीख को है हिंदी का इंटर में, दूसरा पेपर 1 मई को है अंग्रेजी का, तीसरा 4 मई को है केमिस्ट्री का, और चौथा 6 मई को पेपर है गणित का या फिर जीव विज्ञान का, और लास्ट पेपर जो है साइंस साइड वालों का वो 8 मई को है भौतिक विज्ञान का। तो साइंस साइड वालों का जो एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होकर 8 मई को समाप्त हो जाएगा। बाकी फिर आर्ट साइड के कुछ पेपर यहाँ जो हैं वो 10, 11 और 12 मई को लगे हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके से यूपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि 24 अप्रैल से परीक्षा होगी। बहुत दिनों से ये कन्फ्यूज़न था कि एग्ज़ाम जो है वो यूपी बोर्ड कब कराएगा, क्योंकि अप्रैल में ही जो है वो चुनाव होने वाले थे, चुनाव के पहले बाद में कब कराएगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 12 मई को समाप्त होंगे। आप सभी जो है वो लग के मेहनत करें, अभी हमारे पास पर्याप्त समय बचा है। ऑल द बेस्ट।